शुरू करता हूं खुदा के अजीम नाम से जो निहायत ही मेहरबान है। ग्रां कदर मेहमाना ने ग्रामी आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नैयर फिरदौस बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब को रौनक बख्श रहे हैं। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों में पुरजोश तरीके से इनका इस्तकबाल करें। तालियों के हवाले से मैं तीन फवायद आपको बताना चाहता हूं। जब हम किसी के लिए तालियां बजाते हैं तो उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसको अकीदत और एहतराम के तौर पर हम अप्रिशिएट करते हैं। ये इसका पहला फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि जब हम तालियां बजाते हैं तो जिस भी महफिल में हम मौजूद होते हैं अपनी मौजूदगी की यकीन दहानी हम करवाते हैं। तीसरा फायदा जो तालियां बजाने का है वो जो हमारे इर्द गिर्द स्वयं में लोग होते हैं हम उनको जगाने का बायस बनते हैं। तो क्या इस बात पर तालियां होनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। हमारे निहायत ही मोहतरम साथी कैसर इब्राहिम सरोया, आप वाइस चेयरमैन हैं पीसीसीआई पाकिस्तान के, सो आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि वो सामने स्टेज पर तशरीफ लाए। कैसर सरोया साहब, आपकी भरपूर तालियों में। इज्जत माब जनाब मेजर रिटायर्ड मकबूल आशिक साहब, आप कंट्री डायरेक्टर हैं पीसीसीआई पाकिस्तान के, सो मेरी आपसे भी इल्तमास है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाए। हमारे बहुत ही मोहतरम और हर दिन अजीज दोस्त एल्विन जलालुद्दीन साहब, आप मेंबर हैं सुप्रीम काउंसिल पीसीसीआई पाकिस्तान के, सो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टेज पर आए और तशरीफ फरमाएं। हमारे एक और साथी हैं सलीम मुश्ताक साहब, ये इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और एज ए मीडिया डायरेक्टर पीसीसीआई में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सो मैं इनको भी आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूं। आज के प्रोग्राम के रूए रवा, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ब्रिगेडियर डॉक्टर नैयर फिरदौस बतौर मेहमान खसूसी इस तकरीब को रौनक बख्श रहे हैं, आप बतौर रजिस्ट्रार फॉरमैन कॉलेज लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर जोरदार तालियों में ब्रिगेडियर साहब का इस्तकबाल करें और मेरी ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि वो सामने स्टेज पर आए और सदारत की कुर्सी संभालें। हमारे सुप्रीम काउंसिल के मेंबर्स इनको खूबसूरत बुके पेश करेंगे आपकी जोरदार तालियों में। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जैसे पहले हमने कुछ इंतजार किया, जो हमारे दूसरे सुप्रीम काउंसिल के मेंबर्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से जिनका ताल्लुक है, सो वक्तन फवक्तन हम उनके साथ भी आपको इंटरेक्ट करवाएंगे और उनका तारुफ करवाएंगे। सो खुदा के नाम से शुरू, हर काम खुदा के नाम को जलाल देता है और खुदा खुद गिरते हुए को संभाल लेता है। सो अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज खुदा के नाम से करेंगे। सो ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं दावत दूंगा हमारे दरमियान सिस्टर वीनस एल्विन सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। सिस्टर वीनस एल्विन और जबरान सरोया को भी मैं दावत दूंगा कि वो भी सामने आ जाए कलाम की तलावत के लिए। मसीह के बरकत जलाली और फजल नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा से दुआ मांगे कि प्लीज हम सब खुदा की हजूरी में छुपे। मसीह में हमारे प्यारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त हम तेरी हजूरी में छुपते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के दिन के लिए कि खुदा का तेरी शफकत वाला हाथ हम सब पर ठहरा रहा और इस खूबसूरत वक्त के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदा तूने हमें दिए, ताकि यीशु जी हम तेरे नाम से शुरू करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो काम क्या कलाम करते हो मसीह के नाम से करो। तो खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं
तेरे कलाम के मुताबिक खुदा बाप हम तेरे नाम से शुरू करने लगे हैं। तो खुदा बाप आज का सारा प्रोग्राम तेरे पाक हाथों में सौंप देती हूँ। जबकि आमिर भाई लीड करते हैं तो खुदा बाप इनके साथ होना, इनको हिकमत दनाई देना, जो बातचीत करे वो तेरी तरफ से हो। और प्यारे खुदा PCCI के लिए खास दुआ करती हूँ, जो भी इन्होंने प्रोग्राम्स रखे हैं खुदा बाप उस पर तेरा हाथ मांग लेती हूँ। और खुदा बाप तो इनको बड़ी बरकत देना, क्योंकि खुदा बाप तो पसंद करता है कि जो अच्छे काम करें। तो खुदा बाप एक अच्छे काम के लिए ये लोग खड़े हुए हैं, खुदा बाप तो इनको बड़ी बरकत देना। इसी तरह खुदा बाप इनकी जिंदगी से तेरे बेटे के नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो शुरू होने वाली है। खुदा बाप जितनी जाने इस वक्त पहुंच चुकी है हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और जो आने वाले हैं खुदा बाप उनको भी खैरियत से हमारे दरमियान लेकर आना। और खुदा बाप आज की जो मीटिंग है हम सब के लिए वैसे बरकत ठहरे। खुदा बाप तू बड़ी बरकत देना, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे जिंदा और चराने नाम से, आमीन। खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे 24 ज़बूर और उसकी पहली 5 आयात। 24 ज़बूर और उसकी पहली 5 आयात। जमीन और उसकी मामूली खुदावंद ही की है, जहान और उसके पेशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपनी निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुष्ट है। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पर बरकत। आमीन। यकीनन जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदावंद हमारे दरमियान आन मौजूद होता है। सो हम सब पर लाजिम है कि जिस तरीके से हमने अपने गेस्ट ऑफ ऑनर्स को और चीफ गेस्ट को हमने वेलकम किया, हम अपने खुदावंदों के खुदा को भी जोरदार तालियां बजाते हुए वेलकम करें। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किसको वेलकम कर रहे हैं और तालियां किसके लिए बजा रहे हैं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि तालियां जोर से बजाएं, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं आपसे कह रहा हूं तो आप तालियों को जोर से बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी ये खुशनुमाई है, PCCI ने कैसी खूबसूरत महफिल सजाई है। करते हैं हम आप सबको सलाम, आप सबका है एक खास मकाम। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे मजीद, कहते हैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। सो आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहने के लिए मैं अपने मोहतरम साथी एल्विन जलालुद्दीन साहब, आप सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, उन्हें दावत दूंगा कि वो वेलकम नोट पेश करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम एल्विन जलालुद्दीन है और मैं PCCI सुप्रीम काउंसिल का मेंबर हूं। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब का नहायत शुक्रगुजार हूं और उनको वेलकम करता हूं कि आज वो हमारे दरमियान है। इसी तरह और ऑनरेबल गेस्ट जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और उन अपने सारे दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को वेलकम करता हूं जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सब के लिए बायस बरकत होगा और इस प्रोग्राम के वसीला से आप काफ़ी कुछ जानेंगे कि हम PCCI के थ्रू क्या करना चाहते हैं। अगेन सबको मैं खुश आमदेद कहता हूं और आप सबका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तालियां बजा सकते थे आप। थैंक यू वेरी मच। पीस एंड केयर काउंसिल इंटरनेशनल, आज का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, ये हमारे सुप्रीम काउंसिल ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, और हमारे जितने भी साथी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर
PCCI के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम सब एक जगह पर इकट्ठे होकर कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से काम करें। सो PCCI का ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। सो इसके लिए मैं दावत दूंगा हमारे नहायत ही मोहतरम काबिले इज्जत मिस्टर कैसर इब्राहिम सरोया साहब, चेयरमैन है हमारे पाकिस्तान के। इनका ताल्लुक मुल्तान से है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके मुतल्लिक कुछ कहना इस तरह है जैसे सूरज को चराग दिखाना। सो मैं उनको दावत दूंगा, वो PCCI के हवाले से आकर आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करें। कैसर सरोया साहब, थैंक यू अमर। आप जैसे खूबसूरत लोगों के सामने एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का तारफ कराना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस तारफ से PCCI की हकीकी शक्ल आप तक पहुंच सके। मैंने खुदावंद से कुवत मांगी, मैंने खुदावंद से कुवत मांगी तो खुदा ने मुझे तकलीफ से गुजारा ताकि मैं मजबूत और ताकतवर बन जाऊं। मैंने खुदा से जहानत और अकलमंदी मांगी और खुदा ने मुझे मसाइल से गुजारा ताकि मैं उनका हल बनकर अकलमंद हो जाऊं। मैंने खुदावंद से हौसला मांगा तो खुदा ने मुझे खतरनाक हालात से गुजारा ताकि मैं उन पर काबू पाकर हौसलामंद बन जाऊं। और फिर मैंने खुदा से मोहब्बत मांगी तो खुदा ने मुझे मुसीबत में घिरे हुए लोग दिए ताकि मैं दिलो जान से उनकी खिदमत करके मोहब्बत की अज़मत को पहचान सकूं। और खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब देकर मुझे PCCI यानी पीस एंड केयर काउंसिल इंटरनेशनल के तारफ के लिए यहां खड़ा कर दिया, क्योंकि पीस एंड केयर काउंसिल किसी जमात का, किसी ग्रोह का या किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक तहरीक है जो छोटे तबके का हाथ पकड़कर, जो छोटे तबके को अपना बनाकर, अपना रिश्तेदार बनाकर उनकी खिदमत करना चाहती है। हम हैं PCCI, हम हैं पीस एंड केयर काउंसिल इंटरनेशनल, हम हैं जो गरीब के दर्द का दरमा बनना चाहते हैं, हम हैं वो जो मुसीबत ज़दा का हाथ पकड़ना चाहते हैं। हमने तहैया कर रखा है कि किसी भी छोटे गरीब और दादार मसीही को हम इस तरह से समझेंगे जैसे वो मेरा ही भाई बंद हो, क्योंकि मैंने देखा है मैं अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, चाहे उसकी गलती भी हो, फिर भी उसके लिए अदालत में, थाने में, परे पंचायत में जाता और उसको वहां से छुड़ा के लाता हूं। मेरा सबसे बड़ा आपके लिए PCCI का पैगाम और तारफ ये है कि हम गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, पिछले हुए तबके को कम से कम अपना भाई बंद बना लें, अपने खानदान का रुकन बना लें ताकि जब भी उसको कोई तकलीफ पहुंचे वह तकलीफ मेरी बन जाए। मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए अपने बहुत सारे गैर मुल्की साथियों का जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, बल्कि हमने उनके साथ मिलकर ये अहद बांध रखा है कि पाकिस्तानी मसीही हम उनके दिलों को, हम उनकी तबीयत को, हम उनके मिजाज को तब्दील कर देंगे, तब्दील इस तौर से करेंगे कि हम उनका साथ देंगे। ये जो बाहर के मुल्क में लोग चले जाते हैं उनके लिए लोग कहते हैं तो ये जेड़े बाहर चले जाते हैं ये तो अपने नहीं पूछते, इन्होंने पराया नहीं की पूछना, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूं। ये 15 मुल्कों के ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मसीहियों को अपना
समझ लिया है, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनके ख्याल को, उनकी बैठक को आपने समझ लिया है, और अब वो अपने बच्चों की जेब खर्चे भी उनके लिए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ। मेरी अगर आंखें भर आए तो मुझ पर हंसी है ना, क्योंकि मेरा भाई जब तकलीफ में होकर मुझे मिलता है तब भी मैं रोता हूँ, जब खुशी में होता है तब भी मैं रोता हूँ। तो हमने PCCI के पैनल से ये अहद कर रखा है, हम अपने गरीब से गरीब पाकिस्तानी क्रिश्चियन के लिए काम करेंगे। समाजी तौर पर उसको मदद की जरूरत होगी, हम मदद करेंगे। अगर उसको कानूनी तौर पर मदद की जरूरत पड़ेगी, हम करेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, ये कैसे हो जाएगा सारा कुछ, इसमें हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। हम पाकिस्तानी कोई तकरीबन 5 लोग हैं जो सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, हम 14-15 मुल्कों के ममालिक के लोग हैं जो सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान में डिवीजन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सूबाई लेवल पर और तहसील लेवल पर अपनी जो तंजीम साजी है उसको शुरू कर रखा है। हम बहुत से लोगों को ढूंढ रहे हैं और ढूंढे गए हैं जिनके साथ मिलकर हम अपने इन लोगों की जो तकलीफ में हैं इनके दर्द का चारा करेंगे। हमने ऐद कर रखा है कि पाकिस्तान में मसीही लोगों के अब दिल फिरने वाले हैं, उसके लिए हमें सिर्फ हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है इस तारफ के बाद कि हम समाजी तौर पर, कानूनी तौर पर, मुआशरती तौर पर और मुआशी तौर पर अपने पाकिस्तानी क्रिश्चियन की, पाकिस्तानी मसीही की मदद करना चाहते हैं। जितने भी हमारे बाहर के मुल्कों में रहने वाले साथी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उनमें कोई गैर मुल्की नहीं है, वो भी सब पाकिस्तानी हैं, वो भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए और अपने अपने काम को उन्होंने जारी रखा और अपनी कमाई में से इन लोगों के लिए देना चाहते हैं। हम सब इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? हम सब आज जो इतने खूबसूरत अहबाब और इतने ऑनरेबल अहबाब यहाँ मौजूद हैं, हम सब इस तरीके से इसका हिस्सा बन सकते हैं कि हम सिर्फ ये जान लें, ये पहचान कर जाए, इस बात को महसूस कर लें कि हम अपने से छोटे को, गरीब आदमी को अपना समझ लेंगे, अपना भाई बहन बना लेंगे, ताकि अगर उसकी गलती भी हो फिर भी उसके पीछे जाएंगे, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो हम उसकी तरफ रागब होंगे। हमारी आंखें, हमारा टैलेंट, हमारा टाइम उसके लिए होगा, क्योंकि मैं बहुत बखूबी समझता हूँ कि जिन लोगों के लिए हम अपना टाइम दे सकते हैं, अपना टैलेंट दे सकते हैं, उनके लिए हमेशा हमारी जेब खुली रहती है, क्योंकि टाइम और टैलेंट सबसे मुश्किल चीज़ है। हमें आपका टाइम और टैलेंट चाहिए ताकि आप सब मिलकर हमारी इस कोशिश में कि हम मसीही लोगों को पाकिस्तान में एक नया दिन देना चाहते हैं, आप हमारे साथ शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। PCCI जो है वो सिर्फ कोई चंद लोगों की जमात नहीं है। PCCI मैं नहीं, PCCI ये नहीं, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि हम सब PCCI हैं, जिनके दिलों में खुदावन का खौफ है और जिनके दिल अपनी कम्युनिटी के लिए धड़कते हैं। मैं समझता हूँ कि वो PCCI का एक रुकन है, PCCI का एक सतून है। सो जिस तरीके से कैसर साहब ने बताया कि हमें आप सब की ज़रूरत है, आए हम मिलकर अपनी कौम के दुख और दर्द को समझें, और हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम मसीही कौम का चेहरा है, हम मसीही कौम की शनाख्त हैं, और जो मसीही कौम है उसका हक है हम पर। तो हम सब इनके दर्द में इनका मदावा बने और अपनी कौम के लिए मशले राह बने। कामयाब लोग दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, मगर इनके सोचने का अंदाज जरूर मुख्तलिफ होता है। मेरे लिए इंतहाई फख्र की बात है कि जिन लोगों को मैं आपसे मुतारिफ करवाने जा रहा हूँ वो सब मुस्बत सोच के हामिल हैं और अपनी मसीही कौम का दर्द रखते हैं। अगरचे ये हमसे कोसों दूर हैं, लेकिन इनके दिल अपनी कौम के लिए धड़कते हैं। ये हमारी कौम का फख्र है और अपनी कौम को एक बुलंद मकाम पर देखना चाहते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ PCCI सुप्रीम काउंसिल के मेंबर्स की। जिस तरीके से कैसर साहब ने भी फरमाया कि 5 लोग जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है,
और तकरीबन कोई 15 के करीब हमारे साथ ऐसे साथी हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। सो हमारी कोशिश ये होगी कि हम सेल्फ इंट्रोडक्शन उनका करवा सकें, उनको आपके साथ और आपको उनके साथ मुतारिफ करवाना चाहेंगे। लेकिन तब तक जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, मैं उनके साथ आपका तारुफ जरूर करवाना चाहूंगा। सो मैं दावत देना चाहूंगा मेजर रिटायर्ड मकबूल आशिक साहब को, जो हमारे कंट्री डायरेक्टर हैं, वो आए और अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आप सबकी जोरदार तालियों। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम मेजर मकबूल आशिक है और मैं PCCI में कंट्री डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मेरा ताल्लुक जो है कोयटा बलूचिस्तान से है और कुछ देर पहले भी मैं साथियों से कह रहा था कि हम पहाड़ों में जो है वो नेट को कनेक्ट कर लेते हैं, वहां हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि लाहौर शहर और कैंट के अंदर जो है हमें कनेक्टिविटी जो है ना वो मौसूल नहीं हो रही। बहरहाल हमारे साथी लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं और अभी आपकी खिदमत में वो हाजिर हुए थे और उन्होंने बड़ी डिटेल में PCCI का तारुफ करवाया। मैं अपने जो बाकी साथी हैं उनका तारुफ भी आपके साथ करवाना चाहता हूँ। बिशप जॉनसन रॉबर्ट नवाब, चेयरमैन PCCI, इनका ताल्लुक USA से है और अगर हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है तो वो लाइव हमारे साथ एक सेशन भी लेंगे और वो खुद अपना तारुफ करवाएंगे। इमैनुअल नाज, चेयरमैन एथिक कमेटी, वो हमारे एथिक कमेटी के मेंबर हैं और इनका ताल्लुक जो है वो फ्रांस से। डेविड जॉन साहब, ये हमारे वाइस चेयरमैन हैं PCCI के और इनका ताल्लुक जर्मनी से है। सिस्टर एग्नेस वहीद फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। चौधरी खालिद सादिक जनरल सेक्रेटरी हैं और इनका ताल्लुक बेल्जियम से है। मेजर साहब ने आपको अपना तारुफ करवा दिया। जस्टिन परवेज साहब हमारे कंट्री डायरेक्टर हैं USA से। दिलावर इमैनुअल साहब हमारे साथ होते हैं, इनका ताल्लुक इटली से है और ये कंट्री डायरेक्टर हैं इटली के। पास्टर अफजल याकूब साहब स्टेट डायरेक्टर हैं मिचिगन सिटी USA से। सलीम मुश्ताक साहब, ये हमारे मीडिया डायरेक्टर हैं। सलीम मुश्ताक साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो मैं ये चाहूंगा कि वो खुद आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आज हमारे सर्विस पैनल को अटेंड किया और मैं अपनी सारी सुप्रीम काउंसिल का और जितनी भी हमारी लीडरशिप है PCCI की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे खूबसूरत पैनल का इनकार किया है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम सलीम मुश्ताक है और मैं उखाड़ा से बिलोंग करता हूँ और जब से PCCI पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है तब से मैं इनके साथ एज ए टीम मेंबर काम कर रहा हूँ और फिर आस्ता आस्ता प्रमोट होता रहा और फिर साथ में अब मीडिया डायरेक्टर की जो कहने के जिम्मेदारी वो मैं संभालता हूँ। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन के फजल से PCCI जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करने को है और खुदावन से दुआ है कि खुदावन इसी तरह हमें अपने मकसद में कामयाब रखे और जो हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को डेवलप करें उसमें हमें खुदावन जो है वो सक्सेसफुल बनाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। आमिर जॉन, एजुकेशन डायरेक्टर, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरा नाम आमिर जॉन है। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी मोहब्बत है और आप मुझे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हमें सिर्फ प्यार जो है वो कोयटा से नहीं मिलता बल्कि लाहौर वाले भी हमसे मोहब्बत करते हैं। सो इस मोहब्बत के लिए जोरदार तालियां बजा दें जो आप मुझसे करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। मेरा नाम आमिर जॉन है, मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है और बेसिकली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और तकरीबन कोई लास्ट 22 ईयर से मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन का बोर्ड मेंबर हूँ। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है और PCCI में मैं बतौर डायरेक्टर एजुकेशन काम कर रहा हूँ। एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो एजुकेशन को मैं इस तरीके से लेता हूँ कि एजुकेशन इज अ मूवमेंट टू मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और एजुकेशन ही एक ऐसा वाइल्ड हथियार है जिसके जरिए से हम अपने हकूक की जंग लड़ सकते हैं। और अगर हम इस वक्त एजुकेशन के हवाले से गौर करें
तो हमारी जो एजुकेशन रेशो है वो ना होने के बराबर है। इस वक्त हमारी जो नौजवान नस्ल है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और नौजवान नस्ल जो है वो एजुकेशन से बहुत दूर होती जा रही है। इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूंगा। पहला रीजन इसका ये है एहसास कमतरी के शिकार होना। दूसरा रीजन ये है कि मिनोरिटी का एक शेल्टर जो हमने लिया हुआ है। तीसरा रीजन ये है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पहले रीजन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एक खौफ की बात करते हैं, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो किसी ना किसी खौफ में मुब्तला ना हो। अगर आप देखें हम बात करते हैं कि खौफ खुदा, अब ये वर्ड जो है सुना सुना लगता है लेकिन ये जिंदगियों में से जो खौफ है ये अब खत्म होता हमें नजर आता है। लेकिन इसके बरक्स और बहुत सारे ऐसे खौफ हैं जो हमारी जिंदगियों में पल रहे हैं और खौफ हमारी जिंदगियों में दीमक का काम कर रहे हैं। ये हमारी जो खुदादा सलाहियतें हैं इनको खत्म कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। खौफ एक ऐसी लानत है जो हमें अपनी सलाहियतों को बुरेकार लाने से रोकती है। खौफ वो दीमक है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला करती है। खौफ वो ना नजर आने वाली जंजीर है जो हमारी सोचों पर पड़ी हुई है और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मिनोरिटी का जो हमने एक खौफ हमारे जहन में है, हम कुछ करने से पहले ही दो कदम पीछे हो जाते हैं कि नहीं वी आर मिनोरिटी, हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना होगा, हमें हमारे साथ तासुब किया जाएगा। मेरा नाम एल्विन जलालदीन है, अमर भाई ने दो तीन दफा कह दिया है, मैंने भी पहले बताया था, और मैं सुप्रीम काउंसिल का मेंबर हूं और लाहौर से मेरा तल्लुक है, बिजनेसमैन हूं और PCCI से काफ़ी दो तीन साल से मुंसलिक हूं और पहले भी हमने काफ़ी काम किए हैं और आइंदा फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि और काम करें ताकि हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकें। सो उसके लिए हमें आप सब की ज़रूरत है, बहन भाइयों की जो आज यहाँ पर तशरीफ रखते हैं या जो सुन रहे हैं, आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर्स इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। वैसे तो आप सब जितने भी यहाँ मौजूद हैं हमारे लिए मेहमान खास हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी सामने बुलाऊं और उनके PCCI के हवाले से जो ख्यालात हैं या कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से उनके जो व्यूज़ हैं वो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से वो आपके साथ शेयर करें। सो आप सबकी भरपूर तालियों में सबसे पहले मैं दावत दूंगा नईम जॉन साहब को। मैं सबसे पहले पीस एंड केयर काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया। मैं मुख्तसर तौर पे अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मेरा जो बुनियादी काम है वो एक तो ये कि हमने आल पाकिस्तान मिनॉरिटीज अलायंस जो कि शहीद शहबाज भट्टी की पार्टी थी उसके साथ काम करते हुए उन तमाम दुश्वारियों और कठिन हालात के बावजूद हमने कोटा हासिल किया और उसके बाद हमारी एक तंजीम है गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ये तकरीबन पिछले 20 साल से गवर्नमेंट जो फेडरल और प्रोवेंशियल एम्प्लॉयज़ है उनमें काम कर रही है। और जब कोटा आया 2009 में तो उसके बाद एक लंबे अरसे तक छोटे मुलाजमीन तो भर्ती होते रहे लेकिन 2017 तक या 2015-16 तक कोई भी CSS PMS ऑफिसर्स जो थे वो नुमाया तौर पे इस कोटे को अवेल नहीं कर सके थे। मगर उसके बाद एक साथियों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जिसे हमने पाकिस्तान CSS PMS का क्लब का नाम दिया और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि अब भी उनमें बहुत सारे साथी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा मेजर मकबूल आशिक साहब का कि जो हमारी टीम का हिस्सा है और वो भी वहाँ पे आर्मी के हवाले से उनका लेक्चर होता है
और इसके अलावा जनाब डॉक्टर सुजन साहब भी हमारे कदीम साथियों में मौजूद हैं। तो मुख्तसर ये कहता चलूं कि अवेयरनेस के हवाले से जो हमने काम करना था वो हमने किया, और उसमें जो बड़े नाम हैं उनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। उनमें सलीम मसीह सिंधु साहब थे जो आज हम में नहीं है, CSPMS ऑफिसर थे, फिर मैम फौजिया सुलेमान साहिबा और इसके साथ साथ मैडम अजूबा अजीम जिनके वालदे मोहतरम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अब जो बातें यहाँ पे पीस एंड केयर काउंसिल के हवाले से की गई, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बेशक जिसमें हमें सरमाए की ज़रूरत होती है, हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, मगर एक बड़ा छोटा सी लाइन है कि जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, जब आप सही मानों में ये अपने अंदर एक पैशन रखते हो, जब आप देखते हो कि आपकी जो मिनोरिटी है, जो आपकी कम्युनिटी है, वो दिन ब दिन उसकी जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फंड्स या बहुत ज़्यादा किसी डोनरशिप की या किसी भी दूसरे इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने दस्तेबाजू से, अपने अच्छे दोस्तों से मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो तीन मोटी मोटी मिसालें देना चाहूँगा। इसमें छोटी छोटी मिसालें ये हैं कि अगर हम खुद से करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने 2017 में हमने सेमिनार शुरू किए जो CSS के और PMS के हवाले से थे, तो हमने मिल के इन सारे सेमिनार्स को आगे बढ़ाया और अब तक हम 9 सेमिनार्स कर चुके हैं। और इसमें हम दूसरे ज़िलों में जैसे कि बुरा व्याड़ी के एक करीबी गांव डॉक्टर वाला में भी हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कुछ ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा किसी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारा काम है, जो हमने किया, उसमें हमने आज तक कभी किसी से कोई फंड्स नहीं लिए, तमाम दोस्तों ने वॉलंटियर ली और एक दूसरे के साथ मिलके इन सारे बड़े कामों को आगे बढ़ाया। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 250-300 के करीब जो हर मरतबा जो हम सेमिनार करते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर दूसरे जो शहरों में से लोग हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी तशरीफ लाते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं एक और शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए हैं, जनाब अफजल बेग साहब जो कि जज हैं, ये भी हमारे गेस्ट स्पीकर्स में होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी अवेयरनेस हमने अपने बच्चों को दी, और एक वक्त वो भी था कि जब बच्चों को ये सारी चीज़ों का पता नहीं था। और जहाँ तक इस बड़े जो एक लार्ज स्केल पे पीस एंड केयर काम करने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर जैसे कहते हैं ना कि लोग आते गए और कारमा बनता गया, जब अच्छे दोस्त मिलते हैं, जब अच्छे साथी शामिल होते हैं, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान होती हैं, आपका काम बढ़ता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और छोटी सी मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जब हम सेमिनार्स करते हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि हम जब सोशल मीडिया कंपेन चला रहे होते हैं तो हम बहुत सारे हमारे मैसेजेस ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो हमारे वहाँ पे जो अजीज़ो कारब रिश्तेदार दोस्त अहबाब है वो यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जगहों पर अपने बच्चों जो अजीज़ो कारब के बच्चे होते हैं उनको भेजते हैं, और यूँ वो बच्चे जो हैं वो हमसे राबता करते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से ये कहना चाहूँगा कि एक मुख्तसर वक्त में हमने एक ज़ाती तजुर्बा किया है कि हमने बहुत सारे बच्चों को इन सारी चीज़ों के हवाले से एजुकेट किया है, और यही खुदा का फजल है कि बेशुमार बच्चे। और अभी मैं पिछले साल की मिसाल देता हूँ कि PMS स्टूडेंट्स 3 आपके मियाँ वाली, ननकाना और मुजफ्फरगढ़ में AC तैनात हो चुके हैं। मेरी तरफ से यानी जॉनसन रॉबर्ट नवाब से इस मीटिंग में आए हुए तमाम मेहमान निगरानी और हमारे चीफ गेस्ट जो आज के ब्रिगेडियर मेजर फिरदौस साहब हैं, मैं उनको इतने बड़े अदब और आप सलाम भी बख्शी है। आप सब इस वक्त यहाँ पिक्चर के और इंटरप्रेशन काउंसिल इंटरनेट इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में देख हुए हैं। नंबर एक तौर पर एक इंट्रोडक्शन सेरेमनी कर रहे हैं ताकि सबको हम बता सकें
बीसीसीआई क्या करता है, इसका विजन क्या है, इसका विजन क्या है, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपकी आमद के लिए हम बस शुक्रगुजार हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस जेस्चर से खुद भी होंगे और हमारे लिए दुआ वो भी रहेंगे, साथ साथ आप मिलकर इस एक और आगे बढ़ने में हमारी मदद भी करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। मैं मुझे बात की दिलीप ने क्या कि इस वक्त जो हमने एक रुकावट आवाज के बात कर बहुत सारी बातें तो समझ नहीं आ रही, हम सिर्फ शांत सुन पा रहे हैं, तो भी मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। आप मेरा चेहरा पाई लगा, लेकिन मकसद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, तो आप लोगों का शुक्रिया। पीसीसीआई एक ऐसा हम इदारा बनाने जा रहे हैं कि दुनिया भर में से मुख्तलिफ फील्ड के लोग, मुख्तलिफ अजहान रखने वाले, मुख्तलिफ स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में से जेनी तौर पर हमारे पास आम हो, वो सब मिलकर चूंकि पाकिस्तान में हमारी जो हम जितने भी बीइंग डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड दुनिया के कई एक ममालिक में रिहाइश पजीर है और सेटल्ड हो गए हैं एंड आर डिफरेंट डायमेंशन इन डिफरेंट प्रोग्राम को हम आगे मजीद आगे बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम की कमी है। सो चंद जो बातें बिशप साहब आपसे कहना चाह रहे हैं, जो हमारे मोटिव्स हैं वो मैं आपके साथ बयान कर देता हूं। पीसीसीआई के चंद मोटिव्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पीसीसीआई के मोटिव्स में से पहला मोटिव है मसीही कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना। दूसरा मोटिव हमारा है नौजवानों में आला तालीम के हसूल के शहूर को उजागर करना। तीसरा मोटिव हुनर और बेरोजगारी के हसूल के लिए जिदोजहद करना। रूहानी और जिस्मानी तालीम को फरोग देना। नौजवान नस्ल में मुस्बत सियासी और समाजी शहूर को बेदार करना। मसीही कौम को दरपेश मसाइल का हल तलाश करना। मसीही कौम की नुमाइंदगी और उनके हकूक के लिए आवाज बुलंद करना। कानूनी मामलात में कानून के दायराकार में रहते हुए रहनुमाई करना। आयने पाकिस्तान की रोशनी में मसीहों के हकूक का तहफ्फुज करना। इम्तियाजी सलूक की फिजा का खात्मा करना। गैर मुनसिफाना फैसलों की नफी करना। सेहतमंद माशरे को तश्कील देना। यूथ एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल का क्याम करना। तो ये कुछ हमारे मोटिव्स हैं जो बिशप साहब बयान करना चाह रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो बयान नहीं कर पा रहे। तो हमारी टीम इस कोशिश में है कि अगर नेट की बहाली हमें मिल जाती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक दोबारा हम एक ट्राई करें और इनका जो सेशन है उसे हम दोबारा कंडक्ट कर सकें। सो प्रोग्राम को आगे मजीद बढ़ाते हुए मैं ये चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मसीही फ़ख्र हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनमें से एक डॉक्टर फरजंद साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी जोरदार तालियों में। ये इज्जत दी गई यहाँ पर ये बात करने के लिए। मैं बड़े इख्तसार के साथ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं बुनियादी तौर पर प्रोफेसर हूँ और मेरा काम टीचिंग और रिसर्च है यूनिवर्सिटी लेवल पर। पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़े साथ हिस्सा रहा, फेडरल गवर्नमेंट में भी काम करते रहे। अभी मैं पवन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट का हेड हूँ, लेकिन मैं एक दूसरे ऑफिस है जिसका मैं हेड हूँ, जो मैं यहाँ आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। वो मैं वहाँ जिस हैसियत में काम करता हूँ डायरेक्टर चर्च रिलेशंस ऑफिसर, तो इसका बुनियादी काम जो है यहाँ जो सारी गुफ्तगू हो रही है उसके साथ डायरेक्टरी लिंक है और मैं हमारे इस पीसीएफ के काउंसिल के जो जितने भी मेम्बरान हैं और जो मेम्बरान हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो सारी लंबी लिस्ट बताई गई जिनमें ये
सारे दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में एक काम हम करते हैं और हम सोच सकते हैं इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं और इस पर पार्टनरशिप में हम जा सकते हैं और वो है एजुकेशन। मैं खुद लास्ट ईयर क्रिश्चियन बच्चों के लिए डिफरेंट सी एक्टिविटीज करते हैं बहुत यूनिवर्सिटी और काली साइड पर, और मैंने इन हाथों से क्रिश्चियन बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन के लिए FC के प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ रुपया लास्ट ईयर हमने एक्सपेंड किया, 1 करोड़ रुपए क्रिश्चियन बच्चों के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास वी हैव द बेस्ट फैकल्टी यूनिवर्सिटी की भी और कॉलेज साहब की भी। हम ऑलरेडी क्रिश्चियन बच्चों की फाइनेंशियली बहुत सी केयर करते हैं और इन एडिशन टू फाइनेंशियल केयर और बड़ी सारी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो मैं बहुत टाइम लगेगा बताने में, लेकिन मैं सिर्फ अपने दोस्तों को इस काउंसिल के दोस्तों को बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, कुछ शेयर आप करें और कुछ शेयर फाइनेंशियल शेयर हम करेंगे और उन बच्चों की मैक्सिमम जो हम उनको एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं वो अपनी जगह पे बड़ी सारी फैसिलिटीज मुख्तलिफ तरीके से केयर करते हैं। लेकिन इसके साथ अभी नईम साहब बात कर रहे थे ये CSSOPM, हम अपना मंसूबा ये बना रहे हैं, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, FC के प्लेटफॉर्म से ऐसी एक्टिविटीज भी करेंगे। सो सर मेरी तरफ से आप लोगों को दावत है कि अपने स्टूडेंट्स को भेजें और हम वहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, कहीं से भी हो, हम बहुत तरह बहुत मुख्तलिफ तरीके से मदद करने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच जनाब आबू जॉन साहब, PCCI एजुकेशन डायरेक्टर और पीस केयर काउंसिल इंटरनेशनल की तमाम सुप्रीम काउंसिल आला क्यादत का, डिस्ट्रिक्ट बिहारी की तमाम पीस केयर काउंसिल इंटरनेशनल टीम की तरफ से आज खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने ये बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया जो ना सिर्फ अपनी पाकिस्तानी मसीही कौम के लिए जागते हैं बल्कि वो हर वक्त तैयार रहते हैं। ये जो गवाही है ये मैं जनाब हमारे जो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन साहब हैं जनाब कैसर सोया साहब और अपनी पाकिस्तानी जितनी भी हमारी आला क्यादत है, क्योंकि हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं अपने इन PCCI की क्यादत के साथ चलते हुए और खुदावंद के फजल करम से जब भी कोई भी हमने नेक काम किया है खुदावंद ने हमारा साथ दिया है और PCCI पीस केयर काउंसिल इंटरनेशनल जो है वो बिहारी में जो खुदावंद के फजल करम से लेबर पर भी काम कर रही है और एजुकेशन पर भी काम कर रही है और जब कोई ह्यूमन राइट्स का भी कोई अगर हमारे पास कोई केस आता है तो हम फौरन अपने वाइस चेयरमैन साहब जो पाकिस्तान के हैं कैसर सुहेल साहब, सलीम मुश्ताक साहब हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे हम फौरन रابطہ करते हैं और वो हमारे साथ मुकम्मल काम करते हैं और बिहारी की डिस्ट्रिक्ट बिहारी की जो पूरी टीम है वो हमेशा दुआ हो रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी पीस केयर काउंसिल इंटरनेशनल को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। मैं दावत देना चाहूंगा हमारे कंट्री डायरेक्टर जनाब मेजर रिटायर्ड मकबूल साहब को कि वो सामने आए और PCCI के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं उसे बयान करें। तो अभी मैं आपको PCCI के बारे में बताना चाहता हूं कि बेसिकली हम लोग लाइक माइंडेड दोस्तों ने कुछ मिलकर जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी हैं तो हमने PCCI पीस एंड केयर काउंसिल इंटरनेशनल एक तंजीम बनाने की कोशिश की जिसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि जिस तरह बोरी हैं या दूसरे MD हैं या और भी जो डिफरेंट जो हमारे मुल्क में जो आपने जो लोग हैं तो अगर वो मिलके अपने सारे लोगों के लिए तरक्की के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब सब मिलकर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें और उसमें जितने भी मसाइल हैं उनको हम गौर पे करें और उन मसाइल को सिर्फ हम
सिर्फ ये ना कहें कि ये मसाइल हैं, बल्कि हमने उन मसाइल के हल भी देने हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि जो एक थिंक टैंक टाइप जो ग्रुप है वो बनाया जाए, उसमें जो डिफरेंट फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं या जिन लोगों का तजर्बा है अपने अपने फील्ड्स में, हम उन लोगों को साथ मिला के तो उन पे काम करें। जैसे कि एजुकेशन का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, लॉ का है, उसमें लोगों के मतलब बहुत सारे जुडिशियल और सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि हम अपने जो वकील भाई हैं उनको साथ मिला के तो हम काम करें और लोगों के मसाइल में उनकी मदद करें। इसी तरह एजुकेशनिस्ट को हम चाह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास, तो वो हमें बताएं कि जो एजुकेशन के पाकिस्तान में हमारे खासतौर पर मिसिंगों को क्या क्या मसाइल हैं, तो उनको कैसे हल किया जा सकता है, तो उस पर भी हम काम करें। और इसी तरह हेल्थ से भी जो रिलेटेड चीजें हैं तो उन पर भी काम करें। तो आज मैं आप सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपनी गुनागुन सूफियात में से टाइम निकाला और आप हमें ये ऑनर दी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। और अब चाह ये रहे हैं कि भी जिस तरह एक एक होता है और दो ग्यारह हो जाते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलके आप हमारे बाजू बने और जहां कहीं भी आपकी मदद की जरूरत है आप उसमें हमारे साथ तालमेल करें। तो हम दूसरा ये भी चाहते हैं कि इस कम्युनिटी में लोगों को हम लेने वाला ना बनाएं, बल्कि हम ये उनको ये प्रीच करना चाहते हैं कि हम दे भी सकते हैं। तो उसमें देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही दें, आप अपना टैलेंट दे सकते हैं, आप अपना टाइम दे सकते हैं, आप अपने नए आइडियाज हमें दे सकते हैं, तो इससे भी हम अपनी कम्युनिटी की अपलिफ्ट के लिए काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि एजुकेशन के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं आजकल, जैसे स्किल लेबर वाला स्किल वाले लोग चल रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो उसमें हम उनको एडमिशन लेने में मदद दे सकते हैं, और अगर कुछ की फीसें हों तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसा आपके पहले बताया गया है कि हम लोग बेसिकली सारे के सारे दो मिलके अपने पास से रिसोर्सेस इकट्ठे करके तो हम चीजों को करना चाह रहे हैं। जिस तरह के हमने फ्लड रिलीफ में जितने लोगों की मदद कर सकते थे तो हमने की, बेशक के वो एक पीरियड था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बेशक हम थोड़ी मदद करें लेकिन हम कोशिश तो करके देखें और करें तो हम इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता भी हूं कि कम्युनिटी में लोग, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि कैन डू वाली अप्रोच नहीं हम अडॉप्ट करेंगे कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और वैसे भी हमारा खुदा तो नामुमकिन का खुदा है और बड़ा मिरेकुलस खुदा है और अपने वादों में सच्चा खुदा है, तो वो अगर हम कोशिश करें तो वो हमारी मदद करेगा। तो आज भी हमारे दरमियान बहुत तो जो अच्छे मुख्तलिफ फील्डों के एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे साथ पाकान मौजूद है, डॉक्टर फरजान से आप मिले हैं, और बाकी बैंकर्स हमारे पास बड़े अच्छे बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स पीएचडी प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और बहुत एजुकेशनिस्ट हैं। फिर हमारे पास सिविल सर्विसेज में से अफजल साहब बैठे हुए हैं, और उसके अलावा हमारे पास अमाद नसीम है जो कि आजकल डिप्टी ताजिकिस्तान में डिप्टी उसके हैं, डिप्टी मिशन है, और उसके अलावा हमारे साथ आफ्ताब साहब है, आफ्ताब इस्फान साहब जो कि सुपरिटेंडेंट जूनियर है, वो इधर हमारे साथ मौजूद है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स जो लोग हैं हमारे साथ हैं, तो हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। और इसी तरह ये जुडिशल वाले खाते में सैमुअल प्यारा साहब भी बैठे हुए हैं और बाकी मीडिया के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं माजरत चाहूंगा कि अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका या अगर किसी का रह गया। फिर इंजीनियर्स हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे, जस्टिन साहब बैठे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, हमारे पास फाइनेंस के बैठे हुए हैं जैसे मुनव्वर साहब हैं, दूसरा फिर एजुकेशन हमारे पास नेल्सन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह और हेल्थ से बहुत, इसी तरह सारे के सारे लोग जो हमारे पास हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मैं उन सबका भी मशहूर हूं कि आप सब लोगों ने टाइम निकाला और आप हमारे साथ आए और हमारे जो ख्यालात हैं उनको आपने सुना, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें अगर आपको हमारा आइडिया पसंद आए तो। थैंक यू। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कंट्री हेड
all management, ladies and gentlemen, good evening. ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इस चीज का शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे मौका दिया गया कि मैं इस प्रोग्राम में एज गेस्ट ऑफ ऑनर, आप सब लोग गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, इसी तरह मैं भी गेस्ट ऑफ ऑनर इस प्रोग्राम में बुलाया गया। इस इज्जत के लिए मैं PCSCI का बहुत मशहूर हूं। मैं आप सब लोगों का भी बहुत मशहूर हूं। मेरे लिए मुमकिन ना होता कि मैं इतनी अच्छी गैदरिंग, इतनी एक जगह पे, एक छत के नीचे जिसमें मैं आज मौजूद हुआ हूं, शायद मैं फर्दन सब लोगों को मिलते हुए बहुत टाइम ले पाता, लेकिन ये एक खूबसूरत गैदरिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं और मैं ये जानता हूं कि ये अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ज्यूडिशरी से हैं, कुछ लोग लीगल साइड से हैं, कुछ लोग एजुकेशन से हैं, हेल्थ सेक्टर से हैं, एनजीओ से है, और ये खूबसूरत गुलदस्ता है जहां हम लोग सब मिल बैठ के एक अच्छे काज के लिए बातचीत कर रहे हैं। मेरे लिए मैं जब मुझे बुलाया गया तो मैं कोई ज्यादा बेहतर तौर पर नहीं जानता था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मकसद के लिए ये प्रोग्राम मुनाकद कर रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूं और मुझे मालूम हुआ है कि इस प्रोग्राम का काज क्या है, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इससे बेहतर काज कोई हो नहीं सकता कि जब हम मिल बैठे लाइक माइंडेड लोग जैसे बताया गया और आपस में मिल बैठ के हम अपने ही लोगों के लिए कोई बेहतर तौर पर लाया अमल कर सके। जैसे मेजर मकबूल आशिक जो कि मेरे बड़े पुराने हम कुलीग रहे हैं, हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इकट्ठे थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं था हमारे उसमें सीनियरिटी में, ट्रेनिंग हमने इकट्ठे की है। इन्होंने बताया कि मैंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से जब ज्वाइन किया तो सिग्नल्स ज्वाइन किया। यस, एक छोटा सा वाकया हुआ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कि मैं सिग्नल पे चला गया जबकि मेरी जो FSC की क्वालिफिकेशन थी उसमें मैथ की डिग्री नहीं थी, और सिग्नल में मैं कोई अपने आप को इतना फिट नहीं पा रहा था, बिकॉज अगर मैं उसी में रहता तो मैथ की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्टडी इंप्रूव करूं। मैंने अपनी स्टडी इंप्रूव की, खुदा का शुक्र है मुझे अच्छे मौके मिले और आई डिड माय PhD और मुझे पाकिस्तान आर्मी ने आर्मी एजुकेशन कोर में कन्वर्ट किया। पाकिस्तान आर्मी एजुकेशन में कन्वर्ट होने के बाद खुदा ने मुझे वो अपॉइंटमेंट्स हासिल करने का मौका दिया कि जिनको सम टाइम मैं सोचता हूं कि दिस इज ऑल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड साइड। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मैं पहला डायरेक्टर ऑफ स्टडी था। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, आप समझते हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जब मुझे पोस्ट किया गया तो मेरी अपॉइंटमेंट थी कि मैंने पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी ट्रेनिंग करनी है। सो मैं 64 पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग किया करता था और फिर उनको 6 हफ्तों के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी वो चलाते थे और हम उसके बाद उनको जो है ट्रेन करते थे मुख्तलिफ साइट्स पे। मकसद आपका बताने का यह है कि खुदा ने बड़ा अच्छा मौका दिया, इसी एटमॉस्फेयर में, इसी माहौल में मैंने एज डीन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में भी काम किया और फिर पाकिस्तान एडवर्ड्स कॉलेज में एज प्रिंसिपल गया। इस वक्त मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तान में जो बेस्ट 9 बोर्ड्स हैं उसका या चेयरमैन हूं या वाइस चेयरमैन हूं, और मुझे एक चीज का एहसास बड़ी शिद्दत से होता है कि मैंने जब इन बोर्ड्स के अंदर आया एज चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, तो मुझे इस चीज का एहसास उस वक्त हुआ कि हम एज अ मिनोरिटी या क्रिश्चियंस हम हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या हम वीक हैं या हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट जब मैं इन बोर्ड्स में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैं।
बहुत सारी जगहों पे मैं इस वक्त आपको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करूं तो हर एक बोर्ड अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा बोर्ड है और एक अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है, लेकिन जब उसके अंदर आप जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि बाहर से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं जितनी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर से हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है हमें ख़त्म करनी है। खुदारा हमें इस चीज़ का एहसास अपने अंदर लाना है कि हम जो अपने अपने अंदर जो हमारी ताकत है वो उस वक्त तक है जब हम एक हैं, और वो उस वक्त तक हम हासिल नहीं कर सकते जब हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटे हुए होंगे। कुछ दिन पहले मुझे प्रेस्बिटेरियन चर्च यूएसए ने डेजिग्नेट किया कि मैं गॉर्डन कॉलेज को वापस लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नेगोशिएट करूं। तो मैं इस सिलसिले में जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने के लिए गया तो वहां मुझे पता चला कि मेरे से पहले 4 या 5 ग्रुप वहां पे मौजूद थे जो क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा हम इस कॉलेज के हकीकी वारिस हैं या हम ओनर्स हैं, हमें ये कॉलेज वापस कर दिया जाए। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी बिकॉज हमें कॉलेज मिलने की एट द वर्स्ट था। गवर्नमेंट ने हमें ये कहा कि आप नेक्स्ट वीक आए और हैंडिंग टेकिंग की सारी लिस्टें बन चुकी थी और उन्होंने कहा कि आप एफसी कॉलेज गॉर्डन कॉलेज के अंदर आ जाएं और हम आपको वो कॉलेज आपके हवाले कर देते हैं। सो हम गॉर्डन कॉलेज को लेने के लिए गए। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का मिनिस्टर सेक्रेटरी एजुकेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर वो भी पहुंच गए, हम भी पहुंच गए। लेकिन वहां पे जब हम पहुंचे तो हमारे से पहले हमारे 5-6 ग्रुप्स खड़े थे कि नहीं ये तो कॉलेज हमारे, हम इसके हकीकी वारिस हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाह रहा हूं कि कहां पे हम आपस में बटे हुए हैं। गवर्नमेंट ने हमें कहा कि जी आप ऐसे करें कि ठीक है हमारे पास आपका बताया गया है कि आप इसकी नेगोशिएशन करेंगे, बट दोबारा से एक आप पावर ऑफ अटॉर्नी ले लें। सो हमने दोबारा से पावर ऑफ अटॉर्नी मंगवाई तो इतनी देर में गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, कॉलेज हमें फिर भी मिलेगा। लेकिन जो डिले हुआ वो हमारी अपनी वजह से हुआ। एज अ कम्युनिटी हमें अपने आप के अंदर ये सोचना है कि हमें मुख्तलिफ ग्रुप्स में नहीं जाना, हमें अपने आप को यकजा रखना है और हमें इस यकजहती को बरकरार करने के लिए आपस की डिवीजन को खत्म करना पड़ेगा। दिस वॉज एक मेरा पॉइंट था। सेकेंड, जहां तक हम अपने बच्चों के लिए, मैं इतना मुतासर हुआ हूँ और मैं जानता हूँ, मैं सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ कि जो काम कर रही हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की। अभी यहाँ पे हमारे जो एक हमारे दोस्त आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, ट्रेनिंग सेशन किए हैं। बिल्कुल, खुदा का शुक्र है, मैं भी समझता हूँ, मैंने देखे हैं, इस तरह की चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हैं। डॉक्टर फरजान साहब अपने आप को उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए बिकॉज शायद वो अपने आप के बारे में इतना नहीं बता रहे थे। हम लोग मैं समझता हूं कि जितनी डॉक्टर फरजान साहब की कंट्रीब्यूशन है, हर साल 300 बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी का पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करते हैं, उनको एफसी कॉलेज में लाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी अमीक बातों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और कम्युनिटी के लिए जो आप दर्द रखते हैं, आपकी सारी बातचीत ने हमें एनर्जेटिक किया है और हमें हौसला दिया है। और यकीनन कश्ती जब भी डूबती है वो अंदर के पानी से डूबती है, उसे बाहर के पानी से खतरा नहीं होता। सो हमें खुद को मजबूत करना है और अपनी कम्युनिटी को एक दूसरे के तवस्सुत से सहारा देना है। डॉक्टर साहब हमारे दरमियान एज अ चीफ गेस्ट हैं, और भी बहुत सारे मेहमान इस वक्त हमारे दरमियान एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सबको नहीं बुला सकेंगे, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि वो हमारे दरमियान आए और हम खूबसूरत फूलों के बुके उनको हैंड ओवर करें ताकि उन्हें याद रहे कि वो इस प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमने उनकी हौसला अफजाई की।
पीसीसीआई के हवाले से जितना आज की निशिस्त में हम आपको बता सकते थे हमने बताने की कोशिश की, लेकिन हमें इंतहाई अफसोस है कि जो हमारे मुख्तलिफ साथी हैं सुप्रीम काउंसिल के और मुख्तलिफ ममालिकों से उनका ताल्लुक है, वो बड़े बेचैन और बड़े बेताब थे आज के इस दिन के लिए कि वो आपके साथ जो है पीसीसीआई के मिशन स्टेटमेंट को और विजन को डिस्कस करते। हम समझ सकते हैं उनकी इस तकलीफ को, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो सेशन हम नहीं कंडक्ट कर सके, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह के जो इश्यूज हैं हम इन पर कंट्रोल करें और जो बेटर फैसिलिटीज हैं हम उनको अवेल करें। पीसीसीआई के हवाले से बहुत कुछ आपने सुना होगा, आपके माइंड में अगर कुछ सवालात हैं पीसीसीआई के हवाले से तो अभी एक 5 मिनट का वक्त है हमारे पास, कैसर सरोया साहब यहाँ मौजूद हैं, तो अगर आपके माइंड में कोई सवाल है आप सवाल कर सकते हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि उसका मुस्बत जवाब हम आपको दें। सलाम यीशु मसीह के बाबरकत का जलाली नाम में सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा ताल्लुक आप सब जानते हैं मिस्टर जॉनसन रॉबर्ट्स से जो पीसीसीआई के चेयरमैन है। मैं एक आइडिया जो मैं सजेशन देना चाहूंगी, जैसे आपने कहा था कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे हम आगे तरक्की कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो दे सकते हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ चंद बातें कर सकूं। जो आपका विजन जो आपके मोटिव्स हैं बहुत ही बेहतरीन और अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर ये जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो आजकल का जो नौजवान है, सिंस यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट यूथ, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप यूथ की जब बात कर रहे हैं तो हमारा जो नौजवान आजकल का लड़का, ये अगर आप लड़कियों को भी देख रहे हैं, लड़कियां कम है लेकिन जो नौजवान लड़का है वो मनशियात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और जो यूथ के जो हमारे लड़के हैं मैं समझती हूँ कि वही हमारे फ्यूचर के लिए और हमारी मसीही कम्युनिटी का जोर है, बेसिकली वो सबसे बड़ा जोर है, और वही बहुत ज्यादा नशों की हालतों में मुब्तला है। तो मैं बड़ी माजरत बड़ी आपसे बड़ी आजिजी के साथ ये दरख्वास्त करूंगी कि अगर हो सके आपसे तो प्लीज इस चीज को भी ऐड करें ताकि हम अवेयरनेस दें उन नौजवान लड़कों को, बेटे बेटियों को, कि वो इन चीजों से बाहर आए। अगर यही सब कुछ होता रहेगा तो हमें, मैं समझती हूँ कि तालीम को पाना और तालीम को हासिल करना बेफायदा, क्योंकि अगर हमारा नौजवान बेटा अगर तकवीर का या जोर नहीं पा रहा या जागा हुआ नहीं है, उठा हुआ नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्लीज बराए मेहरबानी इस के बारे में भी बात की जाए, इस बारे में भी अवेयरनेस दी जाए ताकि हमारे नौजवान बेहतरीन की तरफ अभी हमें, जैसे मैं चाहूंगा कि हम लोगों का माइंड सेट करें और हमें कहीं करें काउंसलिंग। हमारे बच्चे जब इदारों से एजुकेशन लेते हैं तो करें काउंसलिंग होना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। मेरा नाम अनिका मारिया है और मैं द वॉइस सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ, और हमारा काम बेसिकली प्री डिग्री पे है। तो क्योंकि PCCI is working for almost on many platforms, तो मैं PCCI को बड़ा हम्बली ऑफर करती हूँ कि पंजाब में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी किस्म की लीगल हेल्प की, किसी किस्म की असिस्टेंस की, तो वी आर ऑलवेज हियर, प्लीज कम टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे जो मोटिव्स है उनका हिस्सा भी है, कानूनी मामलात में कानून के दायरा कार में रहते हुए रहनुमाई करना। सो सिस्टर थैंक यू वेरी मच आपकी इस कंट्रीब्यूशन का और आपकी इस ऑफर का। डेफिनेटली हमारे लोग इस वक्त काफ़ी मसाइल से दो चार हैं, तो हमारी जो लाहौर की टीम है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और वी वुड लव कि अगर आप PCCI के प्लेटफॉर्म से लोगों को हेल्प आउट करती हैं और कानूनी जहां भी उनको आपकी हेल्प की जरूरत होगी, सो वी आर रियली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस ऑफर। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और यहां आए, और मैं जिन लोगों ने आखिर पे जो सजेशंस दिए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सजेशंस थी,
और ये बहुत अच्छा होगा कि हम उन पे आगे काम करें तो, और हम उन पे डेफिनेटली काम करेंगे। तो मैं ब्रिगेडियर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्कॉलरशिप का भी जो ऐलान किया है, तो उसके लिए भी, और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। दुआ से पहले की दुआ है शुक्रगुजारी, दुआ के बाद की दुआ भी है शुक्रगुजारी, खुदा की बरकतों का इकरार है शुक्रगुजारी, खुदा से मोहब्बत का इजहार है शुक्रगुजारी, इंसान की जो अदा खुदा को भा जाए वो अदा है शुक्रगुजारी। सो अब वक्त है कि आज के सारे प्रोग्राम के लिए, सारी डिस्कशन के लिए, और जो भी सजेशंस आए हैं, जो भी मंसूबा बंदी हुई है, और खाने के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। सो मैं दावत दूंगा रेवरेंड जावेद अख्तर साहब को कि वो सामने आए इन सब बातों के लिए, खुदा उनका शुक्र अदा करें। को उस कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। टेक्निकलिटीज़ जो तो चलती रहती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लोगों का जमा होना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो क्रीम है जो जमा हुई है, सुना अच्छा लगा है। तो कैसर जो सुरेश साहब ने बात कर रहे थे, इन्हीं सीखने की बात को मैं आगे बढ़ा के मैं दुआ करता हूँ। इन्होंने कहा कि जो गरीब मस्कीन या जो मोहताज है, हम उनकी माली मुआवनत करना चाहते हैं। इट इज़ गुड, बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे दुआ के लिए बुलाया जाना था, मैंने कहा जब मैं ऊपर जाऊंगा तो बात ये कर लूंगा, सेकंड टाइम मैं नहीं आऊँ। तो एक रिक्वेस्ट है या एक आइडिया है या बात समझ के इसको आगे बढ़ाया जाए कि अच्छा है, मदद करना तो अच्छा है जो मुस्तहिक हैं या गरीब हैं हमारे कम्यूनिटी के लोग, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम उन मस्किनों को, उन मोहताजों को जो कुछ हम देते हैं, अगर उन्हें हम बिजनेस आइडियाज दे दें जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मूव कर रहे हैं और लोग लाख से लाखपति हो गए, करोड़पति हो गए, तो ये बेस्ट होगा कि पीसीसी अपने शेड्यूल्स में इसे भी शामिल करें कि हम लोगों को देते ही ना रहें, बल्कि इस तौर से दें कि लोग उन आइडियाज को लेके उठें और फिर वो खुद देना शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। लास्ट में बात करके कि मंजिल सिपाहियों का इस्तकबाल करती हैं और बुजदिलों को रास्ता का खौफ होता है। हम सब ने बढ़ना है और खूब बढ़ना है, और वी आर द स्टार पर्सन, हम के स्टार को मानते हैं, और हम सब छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार हैं जो दुनिया के लिए रोशनी का सबब है। इसी कुरान ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वही नहीं महज जितने उसके तकलीफ में पैरवी में चलने वाले हैं सारे स्टार हैं, और हमारी रोशनी में लोगों ने चलना है। जिंदे हुकमत अभी तुझमें जान बाकी है, जिंदे हुकमत अभी तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर से ही उड़ान बाकी है, और यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक के बाद एक इम्तहान बाकी है। थैंक यू सो मच। लुका 19:10 में लिखा है, लुका 19:10 में इब्ने आदम खुद हुक्म ढूंढने और निजात देने आया। इस आयत के साथ अपने दिमाग की फाउंडेशन रखते हुए पीसीसी के लिए मैं ब्लेसिंग्स चाहूंगा। आइए दुआ करें। प्रभु के सामने झुकाएंगे दादरते पाकियो सुनाम से सर इफ्तखार इस चुनाव के लिए कि आपने नंबर के खादम मुंतखब किया और पाक दस्तार को बांधा जिसके मुंजानब आप ही हैं, और आप ही के कलाम की प्रोपोगेशन प्रोपोगंडा करना जिंदगी का तयन है। मेरे मालिक के सुनाम में जितने अशखास यहां पर मौजूद हैं, खुदा ने उन सबों को बोझ दे कि अपनी कम्युनिटी के लिए कोशा रहें, जिस भी हिस्से में हम बढ़ते हैं खुदा ने अपना हाथ बढ़ाइएगा। बीसीसीआई के लिए बरकत चाहते हैं जो बोझ रखते हैं, और बेशक खुदा उनके पास विजन है, खुदा उन्हें ब्लेस करता है और अपने कुरुबीन साथ खड़ा करता है ताकि वो इस अहल हों के दूसरों की मदद कर सकें। कार्यकर्ता बाप सारी इस कमेटी पर, उनके बोर्ड मेंबर्स पर, और जितने अहबाब बनी मुल्क और मुल्क के हैं, सब पर तेरा पाक बसा ठहरा रहे,
और हर एक को फजल दे के अपना हिस्सा डाल के इज्जत के साथ तेरी हजूरी में दाखिल किया जाए। इस खुराक को भी छूएगा, तकदीस कीजिएगा, इससे जो कुवत हासिल करें वो तेरे जलाली कामों के लिए हो, मसीह के पाक नाम से। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, सर को जमीन की तरफ, बाबा से बुलंदम कहेंगे, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे भी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज रोटी आज भी दीजिए, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते माफ कीजिए, हमें आजमाइश पर पड़ दीजिए, लेकिन वो ऐसे महफूज कीजिए, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक आप ही है। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, पाक और कृपा कर PCCI कमेटी के साथ मकदसों इसराइल अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। थैंक यू सो मच।